हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन जो दिए हैं इनकी आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो दिस इज द फिगर, हाउ मैनी टोटल पार्ट्स 1 2 3 4। तो यू राइट टोटल पार्ट्स एज अ डिनोमिनेटर एंड शेडेड पोर्शन एज ए न्यूमरेटर। तो ये शेडेड पार्ट हैं वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएंगे और टोटल पार्ट्स जो आपके पास नीचे रख देंगे। एंड इन दिस फिगर हाउ मैनी टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देयर आर 9 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स आर शेडेड। तो यू कैन राइट 3 पार्ट्स शेडेड पोर्शन एज ए न्यूमरेटर एंड टोटल पार्ट्स राइट एज ए डिनोमिनेटर एंड कैंसिल दिस नंबर बाई 3, सो यू विल गेट 1/3। आपको इसको 3 से कैंसिल करेंगे। एंड इन दिस फिगर देयर आर ओनली 8 पार्ट्स, सो यू हैव टू राइट 8 एज अ डिनोमिनेटर एंड द शेडेड पार्ट्स एज अ न्यूमरेटर। तो यू विल गेट 3/8। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म दिस। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर डी इसका, हाउ मैनी टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 पार्ट्स, सो यू हैव टू राइट 8 एज अ डिनोमिनेटर एंड द शेडेड 3 पार्ट्स एज अ न्यूमरेटर। ओके, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे आई स्लीप If I sleep for 8 hours a day, यानी कि मैं पर डे 8 घंटे सोता हूँ एक दिन में, तो पूरे दिन में मेरा कितना उसका फ्रैक्शन बनेगा। तो स्लीपिंग टाइम 8 आवर्स था, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनका फ्रैक्शन पता करना स्लीपिंग टाइमिंग का। तो 8 आवर्स आप सो रहे थे, 24 आवर्स थे, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो 1/3 फ्रैक्शन बना स्लीपिंग टाइम का। इन अ बास्केट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ बास्केट ऑफ 24 एप्पल्स 5 आर रोटेन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट आर फ्रेश। रोटेन मीन्स होता सड़े हुए, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स इज 5, यानी 5 हैं इसके नंबर, और टोटल एप्पल्स कितना है आपके पास 24। तो आपको फ्रेश एप्पल्स चाहिए तो रोटेन वाले इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास फ्रेश एप्पल्स 19 आ गया। अब फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश एप्पल्स पूछ रहा है टोटल के साथ, तो 19/24, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम 2 to 12 आर कंपोजिट नंबर्स। उसका फ्रैक्शन आपको बताना है, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर फ्रॉम 2 to 12 जो हैं वो हैं आपके पास, पहले तो टोटल नंबर लिख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इनको काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर्स आया। अब इसमें से कंपोजिट नंबर देखेंगे तो कंपोजिट नंबर जो हैं 4 हो गया, यानी जिसमें किसी का डिवाइड चला जाता है 1 और इट सेल्फ, तो कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10 और 12 आए। तो देयर आर ये 6 नंबर्स हो गए आपके पास, तो 6 नंबर यहाँ नोट कर लिए। और फ्रैक्शन कंपोजिट नंबर का पूछ रहा है, तो 6 यहाँ आया था हमारे पास, ठीक है ना, और 11 टोटल नंबर थे आपके पास, तो 6/11 इसका सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसके एक फ्रैक्शन दे रखे 2/3, इसके इक्वल आपको 5 फ्रैक्शंस और लिखनी है, ठीक है ना। तो इसका 2 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, ऐसे 3 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 8 8 3 6 18, ठीक है ना। अब आपके पास ये फ्रैक्शंस जो आ रही हैं तो इसके सब इनको कैंसिल करोगे किसी भी सेम नंबर से, सेम एचसीएफ से, तो आपके पास 2/3 मिलेगा। तो आपके पास ये 5 फ्रैक्शंस आपके पास इसकी इक्वलेंट हो गई, यानी इक्वल मी हो गई। सिमिलरली यू कैन डू दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/60 विद न्यूमरेटर। इसका न्यूमरेटर दे रखा, तो 36/60 यहाँ लिख लिया
नोमिनेटर में यहाँ 9 लिख दिया, x आपको पास डिनोमिनेटर मालूम नहीं है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36x हो जाएगा, ये 60 × 9 हो जाएगा। अब 36 को आप इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, आप मल्टीप्लाई वाला जो होता है फ्रैक्शन में चले जाता, 9 × 4 जो 36, 4 से कैंसिल करेंगे 15 times, तो आपके पास x की वैल्यू जाएगी 59। तो x क्या हमने लिया था डिनोमिनेटर, तो 9/15 यहाँ लिख सकेंगे, लिख देंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है 9/15 आएगा। ओके, बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ही भी है, तो इसमें डिनोमिनेटर है और वही फ्रैक्शन फिर ले लिया आपने, तो 36/60 और आपके पास क्या है 15 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर आपको मालूम नहीं है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 60x हो जाएगा यहाँ, 60 × x, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 15, और 60 को इंटू में लगा हुआ तो डिवाइड में ले जाएंगे 5, ये जो है आपके पास जो कैंसिल करा वो 15 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू आई है वो 9, और 9 जो हमें यहाँ पुट कर देना तो x अपॉन वो 9/15 हो जाएगा, ये आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा इसका, तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ आपको लिख के दिखाया 9/15। क्वेश्चन नंबर 6 का ही आपको सी एंड डी आपको अपने आप करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिल इन द मिसिंग नंबर, तो 4/19 है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, तो 19/4 जा कितना हो गया 76, तो 4 का भी टेबल 4 टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं पता है तो आपको इसको नंबर को लिख के यहाँ इसमें x, सपोज x कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 76 और 19 × x, और 19 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा 19 से, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 16, तो x जो है यहाँ आ गया 16, तो यहाँ पुट कर देंगे आप इसी सिमिलरली, आप इसको भी ऐसे ही करेंगे। ओके, और 7 and 6 जिस इसका 7 वाले का सी वाला अपने आप आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसमें से पहले छांटना है कि इम्प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, मिक्स्ड कौन सा है। जैसे ये फ्रैक्शन दे रखे हैं 15/8, 8/15, आपने देखा कि जब न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर बोलेंगे, ऊपर वाला नंबर जो है छोटा होगा नीचे वाले नंबर से, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर स्मॉलर होगा तो आप ये प्रॉपर होगी, और जिसमें 1 complete 5/8 कंप्लीट करके आ जाएगा तो वो जो है मिक्स फ्रैक्शन हो गई। तो आपके पास ये इम्प्रॉपर है, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, इसमें 1 आ गया कंप्लीट करके तो मिक्स हो गया, ये भी 2 कंप्लीट करके आ गया तो ये मिक्स हो गया, इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इम्प्रॉपर, इसमें ऊपर वाला नंबर छोटा है तो प्रॉपर, इसमें मिक्स आ गया ये इम्प्रॉपर हो गया, ये इम्प्रॉपर, ये आपके पास ऊपर वाला नंबर छोटा है तो प्रॉपर, और ऊपर वाला नंबर बड़ा तो इम्प्रॉपर। अब इनको इसको छाट के इस टेबल में आपको फिल करना है, ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है, सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी जा सकती है, तो 5 का डिवाइड लगाएंगे आपको, तो 5 का डिवाइड जब इसमें लगाएंगे तो 5 × 3 = 15 और रिमाइंडर में 3 आ गया, तो ये रिमाइंडर वाला जो नंबर ये 3 आया वो ऊपर लिख देते हैं, और ये यहाँ जो नंबर आया था क्वेश्चन में वो कंप्लीट में आ जाता है, जिससे डिवाइड लगाते हैं यहाँ आ जाता है। सिमिलरली यू कैन डू, अब आपको 12/5 को डिवाइड करना है, तो 5 × 2 = 10, तो 2 रिमाइंडर में आया और 2 को यहाँ लिखा, ये वाला 2 यहाँ आया है ऊपर, और ये 2 ये यहाँ आया और 5 ये यहाँ आया। सिमिलरली यू कैन डू योर सेल्फ बाई योर सेल्फ ऑल द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसको जब तक काटते रहना सेम नंबर से जब तक कि ये कटना बंद ना हो जाए। तो ये आपने आप ये देखा 36 है, ये मैंने कैंसिल करा इसको पहले किससे 3 से, तो 3 × 2 = 6 और जी 0 आ गया, 3 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, अब 12 और 20 बचा तो ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 3/5 आ जाएगा। अब इसको अब और आगे नहीं काटा जा सकता, इसलिए इसका ये आंसर हो गया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। सिमिलरली आप 18 और 24 यहाँ नोट करेंगे, तो 18 जो है 24 जो है 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 × 6 = 3, 8 = अब 8 और 6 जो है 3 दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 3 = 2, 4 = 3/4 इसका भी आंसर आया। इसी सिमिलरली आप इसको भी 13 बन जाए 13, 13 × 3 = 39, तो 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन।
आपको बाकी इसके क्वेश्चन अपने आप करने हैं, ठीक है ना। और ये भी आपके पास मैंने सॉल्व करके दे दिया, आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेवन का डिवाइड इसमें कितनी बार जा रहा है, तो सेवन का डिवाइड एक भी बार नहीं जाएगा, यानी सेवन बड़ा है और फाइव छोटा है, तो हम सेवन का डिवाइड जीरो बार जाएगा, मतलब पहली बार। तो जितना हम जितनी बार डिवाइड जाता है उससे एक नंबर आगे ले लेते हैं, एक नंबर लाइन शो करते हैं और यहाँ जीरो बीच में लिख लेते हैं। अब एक नंबर माइनस का इधर 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 प्लस का लिख देंगे, जब हम इसमें इधर दोनों तरफ लिख देंगे प्लस का, तो क्या होगा आपके पास कि अब इसमें ये सेवन है तो इसमें सेवन सेवन पार्ट कर लेंगे, तो प्लस का है यहाँ, प्लस की तरफ रन करके जाएंगे, इधर प्लस में जाते हैं इधर माइनस में जाते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव न्यूमरेटर में तो फाइव में पहुँच गए। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, फोर अपॉन सिक्स, फोर सिक्स का डिवाइड फोर में जाएगा नहीं तो जीरो बार जाएगा, तो जीरो से बड़ा नंबर कौन सा, वन, तो जीरो लिख के इधर वन इधर माइनस का वन, तो इसमें सिक्स है तो सिक्स पार्ट्स इसके कर लेंगे और सिक्स पार्ट्स इसके भी कर लेंगे। अब प्लस का फोर था तो यहाँ से जीरो से वन टू थ्री फोर पर जाकर रुक जाएंगे और फोर अपॉन सिक्स लिख देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका ये टू है, टू टाइम्स गया है ये इसका डिवाइड, तो टू से बड़ा नंबर लेंगे तो थ्री आएगा, तो जीरो लिख के बीच में, तो वन टू थ्री पॉजिटिव में और वन टू थ्री नेगेटिव में, तो अब आपके पास नीचे एट है तो हर पार्ट के एट एट पार्ट्स कर लेंगे। अब आपके पास टू तो हम पूरा कंप्लीट पहुंच ही जाएंगे, यहाँ तक ये टू था तो टू पर पहुंच गए। अब फाइव है तो फाइव इससे रन करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, टू कंप्लीट फाइव अपॉन एट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है ना। तो आपको कैसे करेंगे चेंज, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स सेवन फोर या 28, जो आंसर आएगा 28 इसको ऐड कर लेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे 28 में तो 34 हो जाएगा, 34 अपॉन सेवन, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दिस मिक्सड फ्रैक्शन। इसी प्रकार इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 का इसमें ऐड करेंगे 13/5, तो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ मिक्सड फ्रैक्शन। इसमें इसमें मल्टीप्लाई करके सेट करेंगे 62/9। सिमिलरली अब यू कैन डू दिस ऑल्सो, ओके। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, 1/7 और 1/3/7, यदि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। जैसे डिनोमिनेटर सेम है इसमें तो लाइक फ्रैक्शन, इसमें भी तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो अनलाइक फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के सी डी ई आपको अपने आप करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज एनअप फॉर टुडे, ओके। आई विल प्रोवाइड द नेक्स्ट वीडियो इन सून।